Hello students, today we will begin with chapter number 4, clothes we wear, कपड़े जो हम पहनते हैं। आपको पता है आप कितने तरह के कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तब कैसे कपड़े पहनते हैं, जब विंटर सीजन आता है तब आप कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्लोथ्स हम पहनते हैं उनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी ऑल वेयर क्लोथ्स, हम सभी कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट एंड डस्ट। क्योंकि कपड़ा हमें बचाता है। किन किन चीज़ों से बचाता है? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूल से और गंदगी से, डर्ट एंड डस्ट। सो वी ऑल वेयर क्लोथ्स, क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डर्ट एंड डस्ट। क्लोथ्स आर ऑफ थ्री काइंड्स बेस्ड ऑन फाइबर्स। अब आपकी बुक में और आपके लेवल के हिसाब से क्लोथ्स जो हैं उनको थ्री पार्ट्स में, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनके फाइबर के बेसिस पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाइबर क्या होता है? तो जो थ्रेड जिससे वो क्लोथ बनता है, द रॉ फॉर्म ऑफ द थ्रेड, जिस जब हम क्लोथ पहनने से पहले जब उसकी बुनाई होती है तो जिन चीज़ों से वो बनता है उसे हम फाइबर कहते हैं। अब फाइबर तीन तरीके के होते हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, दैट इज कॉटन, सूती, वुलन, ऊनी और सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मिक्स, ठीक है? कॉटन, वुलन एंड सिंथेटिक। कॉटन इज स्पन इंटू लॉन्ग थ्रेड्स। कॉटन जो है, कॉटन आपने देखा है, कॉटन प्लांट आपके बुक में दिया हुआ है, कॉटन प्लांट का पिक्चर। इस प्लांट में ये बॉल्स, ये कॉटन जैसे बॉल्स लगते हैं और इन बॉल्स को स्पन किया जाता है। स्पन मतलब बुना जाता है बड़े बड़े धागों में, ठीक है? थ्रेड्स आर वोवन टूगेदर टू मेक क्लॉथ्स। अब इन धागों को एक साथ, ये हैंडलूम मिल्स जो होती हैं वहाँ पर, एक साथ इनकी बुनाई की जाती है और जब ये एक साथ ये धागे जब मिलते हैं तो कपड़े का रूप ले लेते हैं। देन क्लोथ्स इज डाइड, देन द क्लोथ्स इज डाइड एंड प्रिंटेड। अब ये जो धागा है इसमें कलर्स नहीं होते हैं, ये बहुत ही डल कलर के रहते हैं, तो इनको फिर रंगों में डाई किया जाता है, अलग अलग रंगों में इनको डाई किया जाता है। अब ये प्लेन रहते हैं तो इन पे प्रिंटिंग भी की जाती है ताकि हम अपने मनपसंद डिज़ाइन के कपड़े पहन सकें। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट कॉटन फाइबर एंड कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? आपको पता है जब समर सीजन होता है तब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। इस चैप्टर में आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू वूल। वूल मतलब ऊन। वूल इज शीप्स हेयर। वूल हमें कहाँ से मिलता है? सबको पता है, भेड़ के बाल से, शीप के हेयर से। शीप्स हेयर इज शेयर्ड और कट ऑफ बाय मशीन। मशीन से शीप का जो हेयर है वो शेयर किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। एंड इट्स स्पन एंड वोवन टू मेक क्लोथ। और फिर उनको बुना जाता है ऊन के, इसमें ऊन के जो धागे होते हैं उस तरीके से उनको भी बुना जाता है और फिर ऊन के जो कपड़े बनते हैं जिसे हम स्वेटर, पुलओवर, ग्लव्स, कैप, ये जो चीज़ें हैं ये ऊन से जो बनती हैं, ये ऊनी कपड़े फिर उससे बनाए जाते हैं। वुलन क्लोथ इज ऑल्सो डाइड। सम वूल इज निटेड टू। अब जो ये ऊनी कपड़े होते हैं या ऊन होता है इनको भी डाई किया जाता है अलग अलग रंगों में और कुछ ऊन को बुना भी जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्वेटर, जर्सी, इनमें उस ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन एंड वूल आर नेचुरल। अब ये कॉटन और वूल है, ये जो है नेचुरल फाइबर है। नेचुरल का मतलब इसमें
ह्यूमन का कुछ कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है कि इसको लैब में बना रहे हैं या इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ें मिला रहे हैं। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है और वूल हमें एनिमल से मिलता है। तो प्लांट एंड एनिमल आर नेचुरल थिंग्स, सो कॉटन एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड, और जो सिंथेटिक फाइबर्स है जिनमें हम अलग अलग थ्रेड जो हमें हम मैन मेड थ्रेड्स हैं उनको मिक्स करके बनाते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? नायलॉन, टेरलीन, पॉलिस्टर, ये जो तीन एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। दे ऑल आर नायलोन, टेरेलिन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। टेरेलिन एंड कॉटन आर वोवन टुगेदर। अब कॉटन नेचुरल है और टेरेलिन मैन मेड है। जब इन दोनों को साथ में बुना जाता है दोनों के थ्रेड को, तो हमें टेरिकॉट मिलता है। नाम भी बता रहा है, टेरी मीन्स टेरेलिन एंड कॉट मीन्स कॉटन, तो हमें टेरिकॉट के कपड़े मिलते हैं। टेरोलिन एंड कॉटन आर वूवन टुगेदर टू मेक टेरिकॉट। कैशमिलन इज अ सिंथेटिक वूल। अब एक वूल आपको पता है नेचुरली शीप से मिलती है, पर एक ऊन ऐसा भी आता है जो सिंथेटिक है और उसका नाम है कैशमिलॉन। सो कैशमिलॉन इज अ सिंथेटिक वूल। चाइना सिल्क इज अ सिंथेटिक सिल्क। अभी तो हमने सिल्क के बारे में पढ़ा नहीं, बट आई नो आप सबको पता है कि सिल्क हमें किससे मिलता है। सिल्क जिस कीड़े से मिलता है उसका नाम है सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म भी नेचुरल फाइबर है, पर चाइना सिल्क एक ऐसा सिल्क है जो सिंथेटिक सिल्क है, वो हमें उस वर्म से नहीं मिलता है। क्लोथ्स आर ऑफ थ्री काइंड बेस्ड ऑन यूज। अभी आपने बेस्ड ऑन फाइबर पढ़ा, फाइबर के हिसाब से क्लोथ को तीन टाइप में डिवाइड किया गया। पहला आपने पढ़ा कॉटन, दूसरा आपने पढ़ा वूल, तीसरा आपने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर। नाउ अब ये कह रहे हैं कि क्लोथ को थ्री पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है उनके यूज के अकॉर्डिंगली, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव बचाव के लिए। दूसरा है यूनिफॉर्म, जो भी हमारी यूनिफॉर्म होती है एक पर्टिकुलर प्लेस की, जैसे कि आप स्कूल में सारे बच्चे एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म हुई। पुलिसमैन, आप उनको यूनिफॉर्म में देख के पहचानते हैं कि ये पुलिसमैन है। एयर होस्टेस है या सेलर है या पायलट है, तो दे ऑल हैव अ सेपरेट यूनिफॉर्म। एंड डेकोरेटिव क्लोथ, डेकोरेटिव मतलब साज सजावट के क्लोथ्स, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं या फैंसी ड्रेसेस में या फैशन शोज में, वहाँ पर डेकोरेटिव क्लोथ्स लोग वेयर करते हैं। क्लोथ प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर। अब जब ठंड होती है तब भी हमें कपड़े बचाते हैं, जब गर्मी होती है तब भी हमें कपड़े बचाते हैं, चाहे वो तेज गर्मी हो या तेज सर्दी हो, तो एक्सट्रीम ऑफ वेदर से भी हमें कपड़े बचाते हैं। इन समर सीजन वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ। गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं। वाइट और लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स रिफ्लेक्ट हीट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं या सूती कपड़े ही क्यों पहनते हैं, तो हल्के रंग के कपड़े इसलिए क्योंकि हल्के रंग के कपड़े जो है वो गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, मतलब बाहर जाने देते हैं, वो अपने अंदर उनको सोखते नहीं है, तो हमारे कपड़े जो हैं वो हमें ठंडक पहुंचाते हैं। दूसरा, सूती कपड़ा जो है वो हमारा स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, वो हमें पसीना ज़्यादा नहीं आने देता है। ये भी एक कारण है कि हम सूती कपड़े गर्मी में पहनते हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी में सूरज तेज़ गर्म देता करता है, तो गर्म जो रहता है उससे बचने के लिए हल्के रंग के कपड़े और गर्मी के कारण पसीने के कारण सूती कपड़े का उपयोग किया जाता है समर सीजन में।
Thus, they keep the body cool. Cotton absorbs sweat also. यही अभी मैंने आपको बताया. Now, winter season. अब सर्दी में आप सबको पता है आप स्वेटर पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं. In winter season, we wear thick woolen clothes. Wool does not allow body heat to escape. Escape मतलब बचना. तो जो वूल होता है, ऊन होता है, वो अलाउ नहीं करता है बॉडी हीट को बाहर बचने में निकलना. एस्केप मतलब निकलना, बाहर निकलने के लिए. तो उनको अंदर ही ट्रैप करके रखता है, तो हमारी बॉडी इससे गर्म रहती है. दस दे कीप द बॉडी वार्म. इसलिए हम सर्दी में, विंटर सीजन में, वी वेयर वुलन क्लोथ्स एंड डार्क कलर क्लोथ्स. डार्क कलर क्लोथ्स भी जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारी बॉडी हीट को वो बाहर नहीं जाने देते, वो ट्रैप करके रखते हैं. नाउ इन रेनी सीजन वी वेयर रेन कोट. अब जब बारिश का मौसम होता है तो हम क्या पहनते हैं? रेन कोट. रेन कोट नॉर्मली प्लास्टिक से बना होता है, जिसमें बारिश अंदर नहीं आ पाती है, वो बारिश को रोक के रखता है, विद अ कैप. और हम रेनकोट का कैप भी लगाते हैं ताकि हमारा सिर माथा भी जो है वो बचा रहे. इट कीप्स अस ड्राई, और वो हमें सूखा रखे. तो अभी हमने प्रोटेक्टिव क्लोथ्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग सीजन के लिए पहनने के लिए. नाउ यूनिफॉर्म्स, दूसरा हमारा था यूनिफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज. यूनिफॉर्म्स आर क्लोथ्स सूटेबल फॉर स्पेशल जॉब. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल स्कूल का दिया था और पुलिस मैन का दिया था. डॉक्टर, नर्स, सभी के लिए जो स्पेशल कोई जॉब करते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म्स होती हैं. प्लेयर्स हैव टू रन, जंप और किक. जो खिलाड़ी होते हैं उनको दौड़ना, कूदना या किक मारना होता है. सो दे वेयर हाफ पैंट्स एंड हाफ स्लीव्स वेस्ट. इसलिए वो हाफ पैंट और बनियान के तरीके के ऊपर कपड़े पहनते हैं. सोल्जर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड स्कूल चिल्ड्रन हैव अ यूनिफॉर्म. और इन ये जो अभी मैंने नाम लिए, पुलिसमैन, सोल्जर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इनकी एक अलग यूनिफॉर्म होती है. पीपल नो देम बाय देयर यूनिफॉर्म्स एंड हेल्प देम. आपको किसी को अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं. आप किसी भी पुलिसमैन को देखोगे, यू विल गेट टू नो विद देयर यूनिफॉर्म कि ये पुलिसमैन है. और अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो वो यूनिफॉर्म में है, तो हमें पता है उसका क्या जॉब है, तो हम उसको हेल्प भी कर सकते हैं. वी ऑल आर फॉन्ड ऑफ न्यू फैशन क्लोथ्स. अब ये हमारा डेकोरेटिव क्लोथ्स. अब हम आ गए यहाँ पर. हम सबको नए नए कपड़े पहनना, नए फैशन के कपड़े पहनना हम सबको पसंद है, जो भी ट्रेंडी कपड़े हैं. ठीक है, वी वेयर डेकोरेटिव क्लोथ्स एट पार्टीज, वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स. हम जो ये कपड़े हैं ये कब पहनते हैं? जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं या कोई तीज त्यौहार मनाते हैं. वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स. नाउ हम चाहे यूनिफॉर्म पहने, चाहे डेकोरेटिव क्लोथ्स पहने, वुलन पहने, कॉटन पहने या सिंथेटिक पहने, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े हमेशा साफ होने चाहिए. वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स. We look smart when we wear clothes suitable for the occasion. और हम स्मार्ट लगते हैं जब हम वैसे कपड़े पहनते हैं जैसा कि ओकेजन हो. जैसे दिवाली में हम ट्रेडिशनल पहनते हैं, 15 अगस्त पे हम सफ़ेद रंग के अपने कपड़े कुर्ते पहनते हैं, और अगर हम 26 जनवरी पे हैं तो हम ग्रीन, ऑरेंज, इस तरीके के कपड़े पहनते हैं. तो डिपेंड करता है कि क्या ओकेजन है, क्या वेडिंग है. क्या ओकेजन है या किस हम सेलिब्रेशन में जा रहे हैं. हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या हम किसी पूजा में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स.
आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इन अ बेटर वे. थैंक यू.